हाँ जी, ऐसा है कि आज मैं हूँ जयपुर में और जयपुर बड़ा खास है मेरे लिए। अब यहाँ पता क्या सीन है, मैं किसी के घर पे आया हूँ और जिनके घर आया हूँ वो है सोनिया जी। शी रन्स अ क्लाउड किचन, 8 साल से चला रही है सोनिया देसी किचन के नाम से। अब यहाँ पे आपको जो ऑर्डर करना है करो, होम स्टाइल खाना, अच्छा खाना मिलता है। बट जो मेरे लिए प्रेप वर्क कर रहे हैं वो करिए सिंधी मटन की, घर में बनाते हैं सिंधी मटन 0 से 100 तक, जो मैं आपको मेकिंग में दिखाऊंगा। और साथ में कह रही आपको मैंने सर्व करनी है कुकर के अंदर तंदूरी रोटी, कुकर के अंदर तैयार करेंगे तंदूरी रोटी। और साथ में कह रही शुभ, हमने आपके लिए चिकन कोरा बनाया, वो ज़रूर खाना है, मतलब खास है, मेरे घर वालों को बड़ा पसंद है। अच्छा जी, अंदर चलते हैं इनके घर में, किचन में पहुँचते हैं, जल्दी सी मेकिंग देखते हैं, उसके बाद एक सच्चा अच्छा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, पानी आएगा। चले, हेलो मैम, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? गुड गुड, थैंक यू, अलाउ किया आपने। अरे प्लीज, मोस्ट वेलकम, आइए। वेरी गुड जी, अच्छा घर बना रखा है, सब मेरे ससुर जी का आशीर्वाद है। अच्छा जी, अच्छा, बड़े खाने की तारीफ चल रही है आजकल आपकी ऑनलाइन है। हाँ जी, पीपल अप्रिशिएटिंग, आप लोगों की मेहरबानी है ये भी। अरे आप नहीं, जैसे मेरी क्या मेहरबानी है इसमें। बैठ सकता हूँ? हाँ, श्योर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच मैम। बैठिए बैठिए। अच्छा मैम, हमने आज दिखाना है सिंधी मटन। हाँ जी, ठीक है, कुकर में तैयार करते हैं? हाँ, ये कुकर में बनता है बिकॉज इट्स अ वेरी क्विक एंड ईजी रेसिपी ऑफ सिंधी मटन। ये क्या बेसिकली मार्केट में आपको कहीं अवेलेबल नहीं होता है। ये हमारे पुराने जमाने में जो सिंधी घर होते थे उसमें बनता था, और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन जो है दे डोंट नो हाउ टू मेक इट। अच्छा, जस्ट वन थिंग, कि ये स्पाइसी होगा, नॉन स्पाइसी होगा? ये बहुत ही मतलब मीडियम सा स्पाइसी होता है, बिकॉज ये मटन जो स्पेशली बनाया जाता था ये ऐसे लोगों के लिए जो मतलब फिजिकली वीक हो गए हैं, जिनको ताकत की जरूरत है, बिकॉज बोलते हैं कि मटन में बहुत स्ट्रेंथ होती है, तो उन लोगों के बीमारों के लिए या जिनको स्ट्रेंथ की जरूरत है, या फिर न्यू मदर्स हैं जिन्होंने बेबी डिलीवर किए हैं उनको स्ट्रेंथ की जरूरत होती है रिकवर करने के लिए, तो उन लोगों के लिए बनाया जाता था। वेरी गुड है। कोई लहसुन अदरक और प्याज नहीं जाता इसमें। वो किचन में बताना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, किचन में चलते हैं, मेकिंग चालू करते हैं। ठीक है जी, नॉर्मली मैंने जयपुर में देखा कि ना यहाँ लोग स्पाइसी बहुत खाते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। लाल मांस जो है राजस्थानी बहुत स्पाइसी होता है। वेरी गुड जी, तैयारी है? अच्छा, पूरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लगा रखे हैं, देख लो जी, ओल्ड स्कूल। अच्छा मैम, मटन कहाँ पे है? कितना बना रहे हैं मटन? आज हम 750 ग्राम्स ऑफ मटन बनाएंगे। 750 ग्राम्स ऑफ मटन, वेरी गुड। चालू करें तैयारी मैम? हाँ जी। ठीक है जी, तो आज हम बनाएंगे सिंधी फोटे वाला तीवन, इलायची वाला मटन बनाएंगे हम। तो ये हमारा गया देसी घी। गाइस, 1 किलो मटन बन रहा है, सिंधी मटन। इसके अंदर हमने करीबन 2 से 3 कलछी जितना घी ऐड किया है। तो घी हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें कुटी हुई इलायची डाल रहे हैं। कितनी इलायची गई है? ये 12 से 15 इलायची है। 1 मिनट इलायची को थोड़ा सा घी में तड़कने देंगे, उसके बाद हम हमारा मटन ऐड करेंगे इसके अंदर। 750 ग्राम। 750 ग्राम। तो सीधा सीधा देसी घी में इलायची के साथ मटन, वाह वाह, दिस इज डिफरेंट रेसिपी फॉर अ चेंज। मटन हम 5 से 6 मिनट इसी घी में थोड़ा सा हाई फ्लेम पे सेकेंगे। हमारी शिकंजी का क्या हुआ? हाँ बिल्कुल रेडी है। शिकंजी तो हमने दी नहीं, और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है मैम। अच्छा, हमने स्पेशली माले शिकंजी बनाई है। ये हमने जैन मसाला शिकंजी आपके लिए बना के रखी है। अच्छा, आपने जैन को प्रमोट कर दिया, मैंने अच्छे पैसे लेने थे। ये पुदीना मसाला छाछ, वाह जी वाह, ये मैम ये अच्छा है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। पहले छाछ, उसके बाद मटन है, मजा आ गया मैम। मैं ये मेरे लिए थी ना पूरी? हाँ हाँ, आप लोग के लिए। अरे से मिली यार, मुझे एक ग्लास ले। मुझे लगा आप शेयर करोगे शायद। इनके साथ मैं शेयर नहीं करूँगा। अब ये देखिएगा, दिखाऊँ मटन? हाँ, ये मटन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम धनिया जो है वो इंटरवल्स पे डालेंगे, तो हमारा पहला लॉट धनिया का डालने का टाइम आ चुका है। ये चॉप किया हुआ धनिया है, वॉश करके रखा है, है करीबन 100 ग्राम जितना धनिया। टोटल 100 ग्राम डाल रहे हो ना? तो अभी हमने 20-25 ग्राम डाला होगा। धनिया डाल के इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। एकदम से कैसे शौक पड़ा जो स्टार्ट ऑफ नॉलेज? कुकिंग का शौक वो मुझे बचपन से ही था। एक तो होती होम कुकिंग, एक होती कमर्शियल कुकिंग। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, 10-12 साल की उम्र से मतलब मेरे पापा ने ट्रेन करना शुरू किया था, बिकॉज हम 4 सिस्टर्स थे। तो पापा बोले कि नहीं, सबको घर का काम तो आना ही चाहिए। अच्छा। तो मतलब ऐसा होता था कि एक जना चाय बना रहा होता था, जैसे छोटी बहनें थी उनको डस्टिंग का काम, झाड़ू पोछे का, ऐसे कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो 12-13 साल की उम्र से हम लोग, एक जना रोटी बनाता था, एक जना सब्जी की ट्रेनिंग लेता था, एक जना चाय बनाता था, ऐसे करके। बड़े फूडी होते हैं वही, तो जैसे कि सिंधी कढ़ी,
सिंधी कढ़ी तो अमेजिंग होती है। सिंधी कढ़ी तो हमारे यहाँ संडेज को बनती है स्पेसिफिकली कि कढ़ी खा के नींद आती है, खा लो और आराम से सो जाओ। एक बार इसमें धनिया और ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही मैं डालूंगी कुछ मसाले, थोड़ा सा नमक आधा चम्मच जितना, सूखा धनिया हम एक चम्मच डेढ़ चम्मच जितना डाल देंगे इसमें। जैसे कि मैंने बोला इसमें मसाले बहुत ही कम डलते हैं, तो ये काली मिर्ची डाल दी मैंने। अब इन मसालों के साथ में 2 से 3-4 मिनट हम मटन को भूनेंगे, जिससे इसकी रंगत चेंज हो जाएगी। ये सिंधी रेसिपी है ना, इसमें टमाटर भी नहीं डलता है। अच्छा नहीं डलता है। बट ये हम लोग के घरों में जैसे खाली, ये बिल्कुल वाटरी और सूपी कंसिस्टेंसी की होती है। अच्छा। तो हम लोग अपने लिए टमाटर डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है तो हम लोग डाल देते हैं। अब इसमें एक बार और धनिया हम ऐड कर रहे हैं। इसमें जो पूरा मेन फ्लेवर रहेगा वो इलायची का, मटन का और ये धनिया का जो रहेगा। इसे आप सिंधी मटन कहते हैं? सिंधी मटन। मैम साथ साथ अगर ये भुन रहा है, हाँ जी, थोड़ा चिकन पे नजर मार लें। हाँ श्योर। ये आपने तैयार कर रखा ना चिकन कोरमा? हाँ जी, ये मैंने शाही चिकन कोरमा निकाल के दिखाएंगे एक पीस थोड़ा सा। हाँ, मजा आए अंदर देख के। ये शाही चिकन कोरमा आपके लिए रेडी करके रखा है। वाह जी वाह। तो इसको भी हीट करके देंगे आप? इसको भी हीट करके देंगे। ये देख लो, अच्छा लग रहा है इस, ये देखो क्या बात है। इसको क्या पीस, इसको भी किलो के हिसाब से दिया जाता है? हाँ जी, ये भी किलो के हिसाब से। भाई दफ़े बताया नहीं मैंने, सब कुछ किलो के हिसाब से मिलता है मैम के यहाँ। जो खाने का मन है फ़ोन कर देना। स्टार्टर्स जो है वो प्लेट के हिसाब से होते हैं और ग्रेवीज या स्टार्टर्स भी हैं? हाँ सब कुछ है मेरे पास में। अच्छा? स्टार्टर्स भी हैं, डिजर्ट्स भी हैं। अच्छा। हाँ जी, वेरी गुड। और तंदूरी रोटी का कुकर में बनाओगे? हाँ जी, कुकर में बनाएंगे जी। अच्छा। अब हम इसमें हमारा मटन भूनते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें टमाटो प्यूरी जो मैंने रेडी करके रखी है, ये करीबन 350 ग्राम है, ये ऐड कर देती हूँ। जब आ जाएगा रंग। 4 रुपए किलो है मैम मटन? ये वाला मटन मैं 1500 रुपए किलो देती हूँ, 1500, जिसमें मटन और ग्रेवी का वेट इंक्लूडेड होता है। ठीक है। आपका बार बड़ा अच्छा था मैम वहाँ पे। हाँ, वही रुक गया था 5 मिनट के लिए। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड का डेकोर किया हुआ, उनका कलेक्शन है पूरा। मैं समझ गया था जी, वो कलेक्शन देख ली थी मैंने। हाँ जी, मीट और कलेक्शन मैच करती है। हाँ बिल्कुल। हम एक बार मटन दिखा दो। हाँ जी, ये देखिए। गाइस हम ना 20 मिनट खड़े रहे थे, इसके मटन की शक्ल देखो किधर पकने लगी मैम इसको भी। बस ये टमाटर जब अपना घी छोड़ देगा, इसमें हम पानी डाल के और विस्सल लगा देंगे। ये देखिए, हमने मटन को इतना भूना है कि इसमें से घी छूटने लगा है, टमाटर घी छोड़ने लगा है। ठीक है, तो अब हम इसमें पानी डाल के इसको विसल लगा देंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी। पानी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए लिक्विड तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, कम चाहिए तो कम डाल सकते हो। स्टार्टर्स में खाना है शाम को? स्टार्टर्स में नहीं खाया जाता ये। नहीं खाया जाता? नहीं, ये मेन कोर्स। जयपुर में तो लोग कहते हैं कि हम चिकन प्रेफर नहीं करते स्टार्टर्स में, मटन ही खाते हैं। मटन के कबाब वबाब सब शौकीन है खाने के यहाँ। कबाब बनाते हैं? हाँ जी, सब बनाती हूँ। अच्छी बात। हम अब रोटी की तैयारी करें? हाँ जी। एक और कुकर बाहर, एक वो अंदर, तीन अंदर है अभी। और तो ये हमारा है जी घर का तंदूर, ये हमने रख दिया हमारा कुकर हीट अप होने के लिए, क्योंकि ये हीट हो जाएगा तो ये तंदूर का काम करेगा। ठीक है, पहले मैं ही खरीदता हूँ एक और जाके कुकर। तो प्रॉपर आटे की तंदूरी रोटी। हाँ जी। तो ये हम बेलते हैं थोड़ी सी मोटी, इससे क्या इसकी सॉफ्टनेस भी बनी रहती है। तो यही रोटियां बना के डिलीवर भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं डिलीवर भी करती हूँ जब से ये वीडियो। क्या प्राइस क्या होता है रोटी का? रोटी का 30 रुपीज है, क्योंकि घी, हाँ घी लगा के। और अपनी ये वाली रोटी जो होती है ना बाजार की रोटी की तरह ऐसे चाबू नहीं हो जाती, मतलब बाजार से आप पैक करा के मंगाते हो तो वो खाई नहीं जाती, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ये सॉफ्ट रहती है। कुकर है हमारा गरम हो चुका, अब हम इसको ऐसे सेट कर देते हैं। ये हमने ली हमारी रोटी, उठाई ये पानी में हाथ डिप किया, एक साइड रोटी को पूरा पानी लगा दिया, पानी से ये अंदर चिपक जाएगी। ठीक है, अब वो सेंग कितना अच्छा लगता है लोगों के यार कलिनरी जर्नी देख के। और ये हम इसको कर दे रहे हैं उल्टा और गैस को कर देंगे थोड़ा सा स्लो। एक बार मैं कुकर को सीधा करके चेक कर लेती हूँ रोटी कितनी कुक हुई है। ये अरे वाह, तो फूल गई है। हाँ।
प्रेशर रिलीज हो चुका है कुकर का ऑटोमेटिक, अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज डन। आगे ले आओ, वहां पे दिखाते हैं रिजल्ट लाइट के नीचे। यहां ले आओ साइड पे, हां ले आओ है ना। ये लीजिए। वाह जी वाह, एक सेकंड है मैम, एक हल्का सा पीस निकालो ना करछी से बाहर। वाह जी वाह, हां जी, बड़ा सुंदर लग रहा है। ये देखिए, आए स्पेशल सिंधी मटन बाय सोनियास देसी किचन, इज दैट राइट? यस इट इज। ठीक है, वेरी गुड। चलो मैम प्लेट डेटिंग कर लेते हैं साथ साथ। हां जी है ना। कौन सी वाली पे डालने वाले हो? इस पे डालते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओए वाला, ओए हाय हाय मैम, आपको तो देख देख के परेशान हो गए होगे, आई एम श्योर। आप इतने ऑर्डर्स देते होगे। परेशान तो नहीं होती हूँ, मुझे मजा आता है। और मतलब मेरे साथ तो ऐसा भी होता है कि अभी जस्ट मैंने आधा किलो एक किलो मटन डिलीवर किया और तुरंत बाद मतलब या मैं लेकर आई और फिर मुझे ऑर्डर आ जाता है कि मैम हमारे लिए भी बना दोगे क्या, फिर मैं वापस भागती हूँ मटन लेने के लिए। अच्छा, बट आई एंजॉय बिकॉज दिस इज माई पैशन, सो आई एंजॉय इट। ये थोड़ा सा गर्म मसाला है जो घर का पिसा हुआ है और हम अपने ऑर्डर्स में भी यही सेम मसाला यूज करते हैं और घर में भी यही सेम मसाला यूज करते हैं। एंड दैट इज सिंधी मटन। चलो ठीक है, ऐसा है कि मटन हो गया तैयार। ये मैं पूरी थाली बना के लाया अंदर से, ये देखो इधर आओ, बाहर थोड़ा धूप में देखते हैं। सो दो मटन की प्लेट लगाई है, चिकन और साथ में रोटी। वाह जी वाह, ये कहाँ मिले हमें हैं। जयपुर हमेशा ना खुश करता है, नेवर डिसअपॉइंट्स। हाँ, और ये हमारा खाने का सेटअप है, देख लो। हाँ एनीवे, यहाँ रखते हैं इसको और खाना चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बड़े प्यार से तसल्ली से घर का खाना खाना, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है यार पूरी। मतलब आराम से व्लॉग बनाओ, घर वाली फीलिंग आती है, नथिंग कमर्शियल है। आ जाओ जी, ये लो जी, ये रोटी ली मैंने, देसी घी वाली वहीं रखवा दी क्योंकि वो टेस्ट देसी घी का आता तो मैंने वो खानी ली थी। ये देख रहे हो जी, बात करते करते पानी आ रहा है। हाय हाय हाय, ये देखो, गलत बोल रहा हूँ, मटन देखो कैसे पका हुआ है, देख रहे हो, जूसेस देख रहे हो अंदर, हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये ऐसे टूट रहा है। ट्राई करें इसको। ये मटन लिया, इट्स सच सच अ स्मूथ थिंग यार राइट नाउ। ओए होए होए होए, ये लो जी। ऑलराइट, 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन। द वे इट्स बीन कुक्ड, परफेक्ट। इतने अच्छे से ना, ये जो नली के पीस होते हैं ना, ये वैसे ही बड़े नरम होते हैं और देख के मज़ा आ रहा है। मैम ने ना दिल ले लिया भैया, क्या खाना है। आहा, ऐसे मिल जाना खाना, सोचो घर में प्रेजेंट करो। एंड यू नो इट्स नॉट अबाउट तारीफ करना खाने की, मोर देन दैट द स्टोरी, द लव, जो प्यार से बनाया जा रहा है खाना, परोसे जा रहा है, तो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं यार। तजुर्बे के लिए आते हैं, स्वाद के साथ, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं आते। एक लीटर छाछ पीती, समझ रहे, कमी नहीं छोड़ी हमने। हाँ जी, आ जाओ कोरमे पे। ओके, ये है कोरमा, थोड़ा सा अलग कोरमा है जो हम देखते हैं नॉर्मली, उससे कंसिस्टेंसी बहुत ठीक है। स्वाद देखना है कि कैसा है। पूरा पूरा कोरमा है, पूरा देचा है, हल्की सी कंसिस्टेंसी, हल्की सी कंसिस्टेंसी ठीक है, जैसे कहा। आई एम नॉट गोना से चलता फिरता कोरमा, ये जैसे वर्ड शाही यूज किया ना, ये वैसे ही है। बहुत माल डाल रखा है इसमें, चिकन अच्छे से पका हुआ है, गर्मा गर्म रोटी के साथ मिल जाए ना, कुछ भी, चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो। ऑनेस्टली तो चिकन के रेट ज़्यादा है मेरे हिसाब से, मटन फिर ठीक है, चिकन के रेट मुझे ज़्यादा लगे। हम नौ को लाए 1100 रुपये बोले थे ना, 1100 रुपये के हिसाब से महंगा है ना, 600-700 या 800 अगर बहुत है तो ठीक है, बट क्या पता हर किसी की कॉस्टिंग है कैसे करते काम। एनीवे, वंस अगेन सोनियास देसी किचन, जितना खाता खाता हूँ अच्छा से खाता हूँ। टीम बैठी है पीछे कैमरे के, फिर बात करता हूँ मैम को ना, थैंक यू करने चलते क्योंकि खाना एक्चुअली में अच्छा था और सामने बैठी है। हेलो मैम, वंस अगेन
ये माइक यहाँ रख लो, पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो बस। थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड माय सेल्फ। आपको कैसा लगा खाना? सिंधी मटन वाज एब्सोल्युटली टर। अच्छी बात क्या थी, वो इट वाज नाइसली कुक्ड, परफेक्टली कुक्ड, मतलब मजा आया, पीस ना उतर रहा था। थैंक यू सो मच। और चिकन कोरमा वाज आल्सो वेरी, इट वाज शाही चिकन कोरमा, इट वाज रिच। या चलो, थैंक यू वंस अगेन मैम। गाइस, सोनियाज देसी किचन इन जयपुर, इफ़ यू कम ओवर हियर, फ़ायदा नहीं है, कॉन्टैक्ट करो, ऑर्डर करो एंड गेट इट डिलीवर्ड। दिल्ली NCR रीजन से बात करना, आजकल गुड़गांव का रास्ता आपको पता, 2-3 घंटे का वो नया वाला हाईवे खुला है ना। सो नेवरदलेस, थैंक यू वंस अगेन मैम, आगे ट्राई कर लेना। डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में है, लोकेशन, एड्रेस, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट नंबर, और कुछ हो तो फोन करके क्वेरी वगैरह अपनी क्लियर कर लें, ठीक है कि नहीं है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड शेयर, द चैनल विल ग्रो। इंस्टाग्राम पे अरोरा शोएब एंड फेसबुक पे शोएब अरोरा व्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए। दैट विल बी इट, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, हैव फन मैम, बाय बोल दो। बाय बाय।